सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी गाइस। मैं आप लोगों को बताऊँ, जो मैंने 10th और 12th पास वाली वीडियो बनाई थी दुबई पे, इससे पहले उस वीडियो को लगभग लाखों लोगों ने देखा और कई लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट किए कि भाई आपने जितने भी जॉब बताए जो कि आप 10th और 12th के बाद दुबई में कर सकते हो वो सब तो ठीक है, बट आपने उसमें थोड़ा सा बताया था कि आप किसी भी शॉपिंग मॉल में एज अ सिक्योरिटी गार्ड का काम कर सकते हो। तो इस पर कितनी सैलरी मिल जाती है, क्या क्या चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ेगी इसको करने के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा, इस पर सैलरी कितनी मिलेगी, कई लोग ये भी पूछ रहे थे। तो मैं आपको पहले बता दूँ, शॉपिंग मॉल्स में सिक्योरिटी का काम करने के लिए आपके जो क्वालिफिकेशन, जो पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, मिनिमम आप 10th और 12th पास होने चाहिए। और सेकंड एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि आप काफी ज्यादा दुबले पतले ना हो, ठीक है। कई लोग होते हैं काफी दुबले पतले होते हैं और काफी ज्यादा मोटे भी ना हो, ठीक है। आप फिटनेस आपकी अच्छी हो, थोड़ी नॉर्मल हो, जितनी अच्छी फिटनेस रहेगी उतनी अच्छी सैलरी मिलेगी, मैं पहले बता रहा हूँ। और डॉक्यूमेंट मैं शेयर करने से पहले बता दूं, जो मैंने 10th और 12th पास वाली वीडियो बनाई है उसमें और भी कई सारे जॉब बताए हैं जो कि आप 10th और 12th के बाद दुबई में कर सकते हो, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाको इस वीडियो के बाद वो भी देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ नई चीजें बताई हैं, ठीक है। तो अभी मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर देता हूँ जो अभी के टाइम पे काफी जरूरी है आप लोगों के लिए। पहला डॉक्यूमेंट है आपका जो भी सर्टिफिकेट है, क्वालिफिकेशन कॉपी है उसकी सर्टिफिकेट, ठीक है, जितनी पढ़ाई की आपने। सेकंड, आपका जो भी पासपोर्ट है, पासपोर्ट भी रख लेना, आप लोग को पता ही होगा जरूरी है। और थर्ड है आप लोग का मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसको हेल्थ सर्टिफिकेट कहते हैं, वो भी आपको जरूरत पड़ता है। और फोर्थ चीज़ है आपका पुलिस सर्टिफिकेट, आपका क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड कॉपी काफ़ी जरूरी है। आपको जो फोटोग्राफ्स, कलर्ड फोटोग्राफ्स भी लगते हैं आप लोग को एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ेंगे, कुछ छूट गया हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। देखो गाइस, सैलरी इस पर जो मिलती है वो 2200 से लेकर के लगभग आपको मिल जाएगा 3500 AED तक, डिपेंड करता है आपके वर्किंग आवर के ऊपर। इसमें आपको ऑल टाइम OT भी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। 8 आवर से 12 आवर तक का शिफ्ट होता है, कई 8 आवर शिफ्ट भी होते हैं, कई 12 आवर शिफ्ट भी होते हैं। ये काम आपको मोस्टली शॉपिंग मॉल्स के अलावा हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, ये सारी जगह आपको काम मिल जाते हैं। तो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, और जाओ के टाके वो 10th और 12th पास वाली वीडियो भी देखो, उसमें आपको और भी चीज़ें आपको पता चलेंगी।